हेलो फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर एम के गोखरू, डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। अब तक हम डिविजिबिलिटी में कुछ चीज़ें की है और ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर की बात की है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ए और बी या बी और सी, जो भी नंबर है ए और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर अगर जी है तो हमने कहा था कि जी कैन बी रिटन एज ए एक्स प्लस बी वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स। एक्स और वाई इंटीजर्स हैं, दे मे बी पॉजिटिव नेगेटिव, बट इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ विद ए एंड बी। लीनियर कॉम्बिनेशन विद ए एंड बी गिव्स द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर जी। एक्स और वाई इस तरह के इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे कि वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं। ये हमने किया। आज हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर में ये जो नंबर है, इंटीजर्स हैं, इसको ज्ञात करने के लिए क्या टेक्निक अपनाई जाएगी, क्या किस तरह से हम इन नंबर्स को ज्ञात कर सकते हैं। जब ये ए और बी बहुत छोटे हों तब तो ये बहुत आसान है। ए और बी जब बहुत छोटे नंबर्स हों तब तो हम बहुत आसानी से ये एक्स और वाई ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 10 और 6। दिस 10 और 6 यानी ए इक्वल टू 10 हो गया, बी इक्वल टू 6 हो गया। इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन निकालेंगे, 2 आएगा। अब इस 2 को हम इस कॉम्बिनेशन में लिखना चाहेंगे, यानी 10 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू वाई। तो एक्स और वाई क्या होंगे, हम एवोल्यूशन के थ्रू भी निकाल सकते हैं, हम हमारे बहुत साधारण ज्ञान से भी इन एक्स और वाई को निकाल सकते हैं। क्या करें, सीधा सीधा मैं कहूंगा कि 10 इंटू 2 करेंगे प्लस 6 इंटू माइनस 3 करेंगे, तो 10 20 माइनस 18, ये वो मिनिमम नंबर हो गया। x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस 3। ये नंबर हमें बहुत आसानी से याद हो गए। जब ये नंबर बहुत छोटे हो तो ये काम आसान है, x और y निकालना आसान है। पर अगर ये नंबर बड़े हो तो क्या होगा, किस तरह से करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा हमें आज देखना है। तो वो एल्गोरिथम क्या होंगे जिसके थ्रू हम ये नंबर एक्स और वाई ज्ञात कर सकेंगे, उस एल्गोरिथम की बात हमें करनी है। उससे पहले, उस एल्गोरिथम को समझने से पहले, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके और इसकी बात करता हूं, फिर उस एल्गोरिथम की बात कर लेंगे। पर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में मैं लेता हूं, सपोज करिए कि 963 एक नंबर है, 963, दिस इज 963 एंड दूसरा नंबर है 657। इसमें जो अपने लास्ट में थ्योरम 5 किया था वो थ्योरम काफी हेल्पफुल रहती है। तो पहले इस एग्जांपल को प्रैक्टिकली हम सॉल्व कर लें और फिर उसके बाद में मैं उस जो थ्योरम 5 है उसको वापस से डिस्कस करूंगा और डिस्कस करके और इस एल्गोरिथम को समझेंगे। तो क्या है, देखिए कैसे करते हैं। 963657 इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन, पहला काम तो ये करना कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन निकालना है और फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन को इन नंबर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। यानी सपोज करो जी हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर है तो हमें लिखना है 963 एक्स प्लस 657 वाई, हमें ये लिखना है। तो यहां एक्स और वाई क्या होंगे ये ज्ञात करना है। तो पहला तो काम ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर के लिए हम डिवीजन एल्गोरिथम का उपयोग कर सकते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम दो तरह से हमने वो किया था कि यूक्लिड मेथड भी लगा सकते हैं और मिनिमल एल्गोरिथम वाला भी कर सकते हैं। हम यूक्लिड के थ्रू आगे बढ़े तो इसमें देखिए, ये मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं, इसको 963657
सीधा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक बार डिवाइड करेंगे हम करते हैं, तो ये है कि 963 6571, एक बार गया 657 और ये 306 बच गए, 306 बच गए, और फिर 657 306 में दो बार डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 612 और ये हो गया 5 और ये 45, फिर 306 में 45 का डिवाइड करेंगे तो 306 में 45 का डिवाइड करेंगे तो 45 इंटू 6 30 हासिल, 3 6 तक 24 3 27 270 6 और 6 और ये 3 36 और ये 45 36 एक बार गए 36 और 6 और 9 36 और 45 9 बचेंगे, ठीक है 9 और ये 36 9 जो 36 ठीक है। प्रोसीजर तो यही करते हैं हम, यहां इसको एल्गोरिथम के आधार पर करें तो 657 इसमें से घटा दें तो ये बच जाएगा 306 और 657, बात वही है, मैं वही कर रहा हूं 657 यानी ये हमने क्या किया, यहां 963 माइनस 306 किया है और ये 657, ठीक है इस स्टेज पे ये कर दिया। अब इसमें से 657 को मैं ये लिख सकता हूं 306 और 657 का यहां 657 45 306 एंड 45 ये आया कैसे, ये जो किया है मैंने ये 306 और 657 माइनस 2 इंटू 306 किया है तो ये आ जाएगा और इसके बाद में 45 इंटू 6 यानी यहां 36 बचेगा और 36 एंड ये 45। यहां क्या क्या है कि इस 306 माइनस 6 इंटू 45 और ये 45 और नेक्स्ट 45 और 36 में एक छोटा ये है 36 तो 36 एंड मैं से बियॉन्ड चला गया उसके रेंज में तो मैं इसको नीचे लिख देता हूं, विजिबल नहीं होगा, ये विजिबल नहीं होगा तो ये 306 एंड 45। नेक्स्ट इसके नेक्स्ट स्टेप आएगी 36 एंड 45, ये आया कैसे 306 माइनस 6 इंटू 45 एंड 45, ठीक है। अब ये 36 और 45 आ गया, दिस विल बी इक्वल टू 36 एंड 45, ये 36 एंड 9 हो जाएगा, ये आया कैसे 9, ये 9 आएगा 36 तो भाई 45 माइनस 36 ये आएगा, फिर शायद रेंज के बाहर निकल गया, मैं नेक्स्ट लिख देता हूं, ये आएगा नेक्स्ट 9 का डिवाइड कर देंगे तो ये 9 इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर हो जाएगा। तो कुल मिला के हमने ये किया तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन इसका क्या आ गया 9 आ गया। ये तो एक काम हो गया, हम क्या करते गए समझ में आ रहा है, 963 एंड 657 इसमें से 657 जो छोटा है उसको घटा दिया तो 306 रह गया 657 एडिटिव, फिर इसमें से जो छोटा है उसका दुगना करके 306 छोटा एडिटिव लिख देंगे और जो बड़ा है उसमें से एक बार दो बार जितनी बार भी मल्टीप्लाई हो वो
इसमें मल्टीप्लाई करके और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 45 आएगा। अब नेक्स्ट 45 छोटा है, 45 एडिटिंग लिख देंगे और इसको 6 गुना इसमें से घटा देंगे तो 36 रहेगा। फिर 36 और 45 में से 36 छोटा है तो उसको एडिटिंग लिख दिया और 36 और 45 में ये 9 रहेगा। तो 9 और 36 में से फिर वह छोटा 9 है और ये 36 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो मैं ये कहता हूं कि 0 और 9 तो जो लास्ट जिसका डिवाइड किया वो 9 ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर हो गया। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर का ये मेथड हम पहले भी कर चुके हैं, इस मेथड में कोई मैंने नया नहीं किया। अब मुझे जो x और y ज्ञात करने हैं उसके बारे में विचार करना है, वो कैसे होगा। इसको मैं हटा देता हूं। अब मुझे x और y ज्ञात करना है, यानी ये जो 9 आया, ये जो 9 आ गया मेरा, इस 9 को मुझे इस फॉर्मेट में लिखना। तो मैं कहां से चल सकता हूं 9 के लिए, मैं यहां से चल सकता हूं 9 को। जैसे 45 और 36 के 9 आया था तो 9 को मैं लिख सकता हूं 45 माइनस 36। ये 9 को लिखा जा सकता है। अब इस 9 को मुझे अल्टीमेटली यहां ले जाना है, यानी ये संख्याओं के टर्म में लिखना है। तो इसको आगे बढ़ाना है, 45 36 में ये, अब ये जो 45 है और ये जो 36 है उसको इस इनमें कन्वर्ट करना है। ये कैसे कन्वर्ट करेंगे, नेक्स्ट क्या होगा, ये जो 45 है, ये 45 कैसा लिखा जा सकता है, 306 × 6 × 45 36 को लिखा जा सकता है। 36 को कैसे लिखा जा सकता है, देखिए 306 − 6 × 45 = कितना आया, यहां से ये 36 आया। ठीक है, ये जो 36 लिखा है वो इसी तरह से लिखा है। तो ये जो 36 है, इस 36 को मैं क्या कर सकता हूं, 45 माइनस ये लिख सकता हूं, 306 − 6 × 45 क्या हो गया है? ये 306 45 − 306 + 6 × 45 यानी ये हो गया 7 × 45 − 306। यानी इस संख्या को मैं थोड़ा सा बढ़ा सका, यहां संख्या बढ़ गई 306 आ गया और ये 7 × 45 हो गया। अब इस 45 को कैसा लिखा जा सकता है, तो ये जो 45 है इसको भी मुझे बढ़ाना है 45 को, तो किस तरह से बढ़ेगा, 45 यहां से आएगा। तो ये जो 45 आया है, ये 45 कैसा लिखा जा सकता है, 6 × 7 − 2 × 306। अब ये छोटा छोटी संख्या ये रहेगी ना, तो ये 7 × 45 को क्या लिखा जा सकता है, 6 × 7 − 2 × 306 − 306 तो एडिटिव है ही। क्या हो गया, 7 × 6 − 7 − 14 × 306 − 306। इसको अब लिख सकते हैं, this is equal to 9 = next step 9 = 7 × 6 − 7 − 15 × 306। मुझे तो अल्टीमेटली 657 पे ले जाना है, 963 पे ले जाना है। अब यहां 306 है, इस 306 को 7 × 657 − 15 × 306। ये 306 कहां से आया, ये 306 ये रहा, 306 यहां से आया। देखिए ये 306
963 माइनस 657 963 माइनस 657 यहां ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो गया 7 × 657 माइनस 15 × 657 प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 22 × 657 −15 × 963। देख लीजिए 9 को इस 657 इन दोनों टर्म के रूप में एक्सप्रेस कर पाए। तो अब ये क्या आ गया 657 और ये x और y की वैल्यू क्या होगी। अब x की वैल्यू 963 का मल्टीपल क्या है 963 का मल्टीपल −15 सो x विल बी इक्वल टू −15 एंड 657 का मल्टीपल क्या है 22 y विल बी इक्वल टू 22। ये अपने रिजल्ट आ गए यानी x और y कैलकुलेट कर लिया। वापस से एक बार इस प्रोसीजर को देख लें जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर आया उस ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर को मुझे इस टर्म्स में लिखना है। ये कहां से स्टार्ट होगा लास्ट स्टेज से। लास्ट स्टेज क्या थी ये 36 और 9 था तो ये 9 कहां से आया 45 − 36। इस टर्म को यहां से मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं ये 9 और 36 अब ये 9 कहां से आया 36 − 45। अब 36 − 45 मैंने लिख दिया अब इसमें से छोटा ये 36 है इसको 36 कहां से आया ये आया 36 देखिए 306 माइनस 306 माइनस मैंने साइड रब कर दिया उसमें से ये छोटी टर्म है उसको बड़ी के टर्म में कन्वर्ट करना है तो 36 कहां से आया 306 माइनस 6 × 45 यहां से मैंने लिखा था नीचे तो 6 × 45 ये किया था अपन ने यहां से इन दोनों टर्म से इन वाले से तो ये आ गया फिर 45 माइनस इसको ओपन कर लिया ये रह गया 7 × 45 and 306। अब ये 45 इन दोनों में से छोटी है 306 और 45 तो 45 को कहां से आया ये 45 देखिए 657 और 306 में ये 45 यहां से आया और इसको अपन ने लिखा 657 − 2 × 306 तो 45 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं ये वाली टर्म लिख सकता हूं। तो देखिए मैंने ये लिखा 657 − 2 × 306 ये आ गया। अब इसके बाद जब इसको ओपन करेंगे तो 67 × 657 − 14 7 × 2 तो −14 हो गए 306 और 306 यानी कुल मिला के ये हो गया 9 × 7 × 657 − 15 × 306। अब देखिए इन दोनों में अभी भी 963 नहीं आया तो ये 306 जो छोटा है उसको मुझे इस इन वाले टर्म में ले जाना है तो 306 कहां आ रहा है ये आ रहा है ये कहां से आया 963 − 657 = 306 तो यहां मैंने वही लिखा। जब इसको ओपन करके रीअरेंज किया तो देखिए x 963 का मल्टीपल x है x इज −15 एंड y इज 22। तो इस तरह से कर हम किसी भी नंबर को किसी भी दो नंबर का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन भी निकाल सकते हैं और उसको x और y के लीनियर कॉम्बिनेशन में भी लिख सकते हैं। ये एल्गोरिथम है। अब एल्गोरिथम है क्या देखिए a और b या b और c जो कोई भी नंबर है इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन g है। अब इन दोनों में से अगर ये छोटा सी छोटा है तो हम क्या लिख सकते हैं b = q − q × c और c के रूप में लिख सकते हैं इसको। वही किया हमने
यहां देखिए ये लिखा ना, ये लिखा, ये कहां से आया 963-306 से, नहीं ये नहीं, ये कहां से आया पहले ये देखें, तो 963-65 है 57, तो 657 का इंटू 1 यानी क्यू यहां क्या हो गया 1, ऐसा लिखते हैं। फिर उसके बाद में इसमें से जो रिमाइंडर है, दिस इज नथिंग बट अगर इनका रिमाइंडर आर है तो आर सी लिख सकते हैं। तो इस तरह से रिमाइंडर्स लिखते हुए हम ये प्रोसीजर पूरा कर सकते हैं, ये एल्गोरिथम का रूप भी है। तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने कुछ चीजें बताई। अब एक और दो एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि और थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी। यस, एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ 256 एंड 1166। इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर मालूम करना पहला काम, टारगेट तो ये एज ए लीनियर, एंड एक्सप्रेस ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 256 एंड 1166 यानी 1166 और 256 के लीनियर कॉम्बिनेशन में भी उस ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर को लिखना है। तो पहला काम तो हम क्या करेंगे, इनमें से बड़ा कौन है 1166, तो 1166 को मैं क्या लिख सकता हूं 24 × 256 + 142 ऐसा लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट में ये जो 256 है, इस 256 को मैं क्या लिख सकता हूं 142, ये जो 142 है इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में 1 × 142 + 114 एंड अब ये जो 142 है 142 को मैं लिख सकता हूं 114 के टर्म में 1 × 114 + 28 फिर ये जो 114 = लिख सकते हैं 24 × 28 + 2 नेक्स्ट ये जो 28 है ये 28 = क्या आया 28 2 के टर्म में तो 14 × 2 + 0 रिमाइंडर 0 हो गया। देखिए क्या किया है, इस प्रोसीजर को अच्छे से समझ लें, 1166 फिर 256 यहां लिखना है, कितने के मल्टीपल करें कि ये रिमाइंडर रह जाए, इसमें और आगे भाग नहीं जाए, तो ये रिमाइंडर हो गया। फिर ये टर्म यहां आई और ये इसकी टर्म में, एल्गोरिथम यही कहता है कि 256 ये टर्म यहां आएगी, इसके कितने मल्टीपल में होगा वो मल्टीपल यहां, रिमाइंडर यहां आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में ये टर्म यहां आई और ये रिमाइंडर का यहां आया, फिर ये रिमाइंडर रह गया, फिर 114 ये यहां आया और ये 28 यहां आया, फिर ये 2 रिमाइंडर रह गया, फिर ये क्या हुआ 28 यहां आया और ये रिमाइंडर यहां आया, और चलते हुए लास्ट में जब ये 0 आ गया, जब रिमाइंडर 0 हो गया तो लास्ट में जिसका डिवाइड किया वो क्या हो गया, लास्ट में डिवाइड किसका किया 2 का, तो वो क्या हो गया ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। सो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ दीज टू नंबर इज 2, ये 2 इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर आ गया। अब इस 2 को लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखा जा सकता है, नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है कि 2 = 1166x + 256y इस तरह से लिखना है, यानी x और y की वैल्यू निकालनी है। जब x और y की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले मैं नीचे से चलता हूं,
ये टू आया कहां से, ये जो टू रिमाइंडर है, इस टू रिमाइंडर की बात यहां से करते हैं। टू इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं 114 माइनस 4 इंटू 28, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए ये स्टेप है, 4 इंटू 28 प्लस 2, तो ये 4 इंटू 28 इधर लेंगे, ऐसा लिख दिया। अब इसमें दोनों में ये टर्म छोटी है और ये बड़ी है, पहले छोटी टर्म को हम एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, बट इसको भी करेंगे, पर 114 माइनस 4 इंटू 28, ये 28 कहां से आया, यहां से आया। इस 28 को क्या लिख सकते हैं, 142 माइनस 114, तो इसकी जगह 28 की जगह मैं क्या लिख दूं, 142 माइनस 114 क्या हो गया, 4 प्लस के 4 और 1 5, 5 इंटू 114 माइनस 4 इंटू 142, ठीक है, दिस इज इक्वल टू। अब ये 114 छोटे हैं और 142 बड़ा है, इस छोटे को फिर मुझे बड़े में एक्सप्रेस करना, तो यहां आ जाए 5 इंटू 114 को लिख सकता हूं 256 माइनस 142, और ये 4 इंटू 142 तो है ही, ये कितना हो गया 5 इंटू 256 माइनस 5 इंटू 142 माइनस 4 इंटू 142, सो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 256 माइनस 9 माइनस 9 इंटू 142। अब ये 142 छोटा है, तो 142 कहां से आया, देखिए यहां से 5 इंटू 256 माइनस 9 इंटू 142 को मैं लिख सकता हूं 1166 माइनस 4 इंटू 256 क्या हो गया, 5 इंटू 256 माइनस 9 इंटू 1166 प्लस 36 इंटू 256। अब ये 256 36 कितने हो गए, माइनस इसको मैं यू लिख दू, बड़ी संख्या ये पहले ये लिख देता हूं, 9 इंटू 1166 प्लस 36 और 5 41 इंटू 256। देख लीजिए अब ये 1166 और 256 की टर्म में हो गया ये, तो इस टर्म में अगर मैं देखूं तो ये x और y क्या आ गया, 1166 का मल्टीपल क्या है, माइनस 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 9, x की वैल्यू माइनस 9 और y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू 41। ये ही आंसर है, ये 9 और 41 x इज इक्वल टू माइनस 9 और y इज इक्वल टू 41, ये वैल्यूज हमारे को क्या दे देगी, लीनियर कॉम्बिनेशन, दो के ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन के लीनियर कॉम्बिनेशन में इन टर्म्स को लिख सकते हैं, वो नंबर हमें, वो इंटीजर्स हमें प्राप्त हो गए। इस तरह से हम और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, ये तो दो संख्याओं के बारे में हुआ, अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन तीन संख्याओं का हो, जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस तरह की चीजें आती है, तीन संख्याओं का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन पूछा जा सकता है, तो वो किस तरह से होगा, देखिए प्रोसीजर दो का आपने अच्छे से सीख लिया तो तीन वाले में ऐसी कोई समस्या नहीं है, केवल थोड़ा सा हमें सीखना पड़ेगा, दो चीजें यहां सीखनी पड़ेगी, दो टर्म्स हमारे काम आएगी, एक तो है म्यूचुअली प्राइम, म्यूचुअली रिलेटिव प्राइम, दो शब्द है म्यूचुअली रिलेटिव प्राइम और एक शब्द है पेयर वाइज रिलेटिव प्राइम,
पेयर वाइज रिलेटिव प्राइमरी। दोनों शब्द क्या है? म्यूचुअली रिलेटिव प्राइमरी, यानी कई सारी संख्याएं हैं, सपोज करिए A1, A2, AR, ये संख्या है, AI कहते हैं, AR कहते हैं, तो ये कई सारी संख्याएं हैं। इन संख्याओं में अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 आता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 आता है, तो हम कहेंगे ये संख्याएं म्यूचुअली रिलेटिव प्राइम है। और अगर इसमें कोई सी भी दो संख्याएं उठा लें, कोई सी भी दो संख्याएं उठा लें और फिर वो रिलेटिव प्राइम हो जाए, एनी ए आई एंड ए जे, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन 1 आ जाए, ए आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू आर एंड जे इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू आर, तो इनमें से कोई भी दो पेयर, पूरा पेयर उठा लें और फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन 1 आ जाए, तो हम कहेंगे पेयर वाइज रिलेटिव प्राइम। तो एक चीज ध्यान रखिए कि पेयर वाइज रिलेटिव प्राइम होंगे, अगर कोई संख्या पेयर वाइज रिलेटिव प्राइम होगी, संख्याएं पेयर वाइज रिलेटिव प्राइम होगी, तो वो म्यूचुअली रिलेटिव प्राइम भी होगी। पर म्यूचुअली रिलेटिव प्राइम है तो वो पेयर वाइज रिलेटिव प्राइम हो जरूरी नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देख सकते हैं, 16, 10 एंड 15, ये तीन संख्याएं हैं। अब इन तीन संख्याओं का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर क्या है? 1। कैसी हुई ये? म्यूचुअली रिलेटिव प्राइम, म्यूचुअली रिलेटिव प्राइम है, पर ये पेयर वाइज रिलेटिव प्राइम नहीं है, क्योंकि इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन निकालें तो 2 आ जाएगा, इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन निकालें तो 5 आ जाएगा, यानी पेयर वाइज रिलेटिव प्राइम नहीं है, पर ये म्यूचुअली रिलेटिव प्राइम है। पर पेयर वाइज रिलेटिव प्राइम हो, अगर पेयर वाइज रिलेटिव प्राइम हो तो म्यूचुअली रिलेटिव प्राइम होगी, पर म्यूचुअली रिलेटिव प्राइम है तो पेयर वाइज रिलेटिव प्राइम होना आवश्यक नहीं। एक तो ये हुआ। अब दो से ज्यादा संख्याओं का अगर हमें निकालना है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, तो क्या करना है? प्रोसीजर इज ऑलमोस्ट सेम, प्रोसीजर लगभग वही है। सपोज करिए हमारे पास तीन संख्या है, ए बी सी, तीन संख्या है, सी इज लोएस्ट वन, सबसे छोटी मान ले थोड़ी देर के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले ए का सी के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन निकाल लेंगे, ए का सी के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन, और बी को एडिटिव रख देंगे। जब ए और सी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन निकाल लेंगे तो वो फिर उस ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन को बी के साथ लेके और फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन निकाल लेंगे, तो हमारे को इन संख्याओं का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन निकल जाएगा। और अब इस ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन को वही लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सप्रेस करना हो, जी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ऐसा एक्सप्रेस करना हो तो एक्स बाई जेड भी हम उसी प्रोसीजर से निकाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 136 एबीसी 136 221 एंड 391, ये तीन संख्याएं हैं। अब इन तीन संख्याओं का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन निकालना है। हम क्या करते हैं कि दो बड़ी संख्याओं को पहले ले लेते हैं, दो बड़ी संख्याओं का, दिस इज इक्वल टू 136 एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन ऑफ 221 एंड 391, इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन निकाल लेते हैं। तो 136 इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन आ गया, निकालेंगे हमारे प्रोसीजर से ही, वही जो प्रोसीजर अपन ने अडॉप्ट किया था उससे 17 आता है। और जब 136 और 17 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन निकालेंगे तो ये 17 आ जाएगा। तो इस तरह से तीन संख्याओं का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन निकाल सकते हैं। अब इन तीन संख्याओं का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन जो निकाला है, उस ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन को हम इस एक्स वाई जेड के टर्म में लिखना चाहें तो हमारा वही प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए यह आएगा 136 इंटू माइनस 110 प्लस 221 इंटू 66 प्लस 391
इंटू वन इज इक्वल टू 70। ये 70 इस तरह से आएगी। अब ये आएगा कैसे, देखिए मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूं। पहले इसको अच्छे से समझ लें। ये जो हमने किया है 136 इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन इन दोनों का, तो ये मैं लिखूंगा 136 और जो लोएस्ट है उसको बाकी दो में से घटा दूंगा, -136 एंड 391 -2 × 136 जो छोटा है सबसे उसको मैंने इनमें से दो में से सबट्रैक्ट कर दिया, तो ये आ गया दिस इज इक्वल टू 136 एंड 85 एंड 119। ठीक है, नेक्स्ट में दिस इज इक्वल टू वन, अब ये सबसे छोटा है 85 को सब में से सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो 136 -85 एंड ये 85 जो छोटा है उसको एज इट इज लिखेंगे और 119 -85 ये क्या हो गया, ये हो गया 85 एंड 119 -85 दैट इज 34। आप ये 34 सबसे छोटा है घटाएंगे तो 17 और ये 17 और फिर ये 34 एज इट इज, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन 17 इस तरह से भी निकल जाएंगे। अब ये 17 को लिख सकते हैं 5, ये जो आया है 17 फर्स्ट टू टर्म से, तो 5 × 136 × 3 × 221 इज इक्वल टू 17 होता है। इन दो टर्म्स को अगर हम इन दो टर्म्स का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन निकालें तो ये आएगा, और इसी तरह से -22 × 17 + 1 × 391 इज इक्वल टू 17 होता है। अब क्या करेंगे, -22 ये तो 391 आ गया 1 × तो 391 हो गया, फिर सबसे बड़ी टर्म, फिर -22 × 5 वो जो मैंने लिखा था 136 का है ना ये 17, तो -22 × 5 इज इक्वल टू -110 -22 × 3 इज इक्वल टू 221 के साथ ये आएगा −22 × 3 यानी 66 +1 × 139 इज इक्वल टू 70। ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इसमें पर्टिकुलरली जो थ्योरम नंबर 5 थी, थ्योरम नंबर 5 का स्टेटमेंट था AB इज इक्वल टू BA मैं थ्योरम भाई का स्टेटमेंट ही लिख देता हूं जो लास्ट में की थी अपन ने, दिस इज इक्वल टू A - B एंड दिस इज इक्वल टू A + B + AX ये थ्योरम हमारे इसमें रिमाइंडर वाली थ्योरम में काम आएगी ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन निकालने के लिए। किस तरह से, देखिए तीन संख्या और तीन से अधिक भी हो तो हम कर सकते हैं, पर हम तीन तक रेस्ट्रिक्ट करेंगे। तो ये कैसे कर सकते हैं, इस थ्योरम का उपयोग करके हम ये करते हैं। तो A इज इक्वल टू जैसे C की टर्म ABC में C सबसे छोटा है, C सबसे छोटा है तो A इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं C³ + R और B इज इक्वल टू C की टर्म में लिखे C³ + R इस तरह से लिखेंगे। तो ये रिमाइंडर A और C का लेंगे, जब A और C का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन लेंगे तो A और C का क्या होगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन,
ये दिस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एसी और बी एल के बीच, बी एल के बीच, और एसी का एसी को ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन का आधार पर लिखे तो ए माइनस सी क्यूब आर हो जाएगा, तो सी आर हो जाएगा, सी आर एंड ये बी। अब ये सी छोटा हो गया तो ये तो हो गया सी और बी का ले लें तो आर तो इधर आ गया और बी और सी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन लिख लेंगे। बी और सी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन लिखेंगे तो आर ये और सी सबसे छोटा है तो सी एंड आर वन, दिस इज इक्वल टू आर आर वन एंड सी, ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन, इसका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन आएगा उसका हम सीधा सीधा ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन कर लेंगे जो मैंने सब्ट्रैक्ट करके किया था। तो ग्रेटेस्ट कॉमन, दो से अधिक संख्याओं का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन निकालना हो तो भी हम ये प्रोसीजर काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट में लिस्ट कॉमन मल्टीपल करेंगे। धन्यवाद।